ओ मेरा नाम थीलू है दी। मैं थीलू डब्बे के दूध की चाय बनाता हूँ, आप तो भी आए ना चाय पीने मेरे ढाबे पे हैं। वैसे अगर आपने मुझे देखना है ना तो फिर आप सब्सक्राइब कर लें ड्रामा थेंटरल को, ठीक है? हम अदालत के जरिए तंजीला भाभी को फैसले से छुटकारा दिलवा सकते हैं, बल्कि मैंने तुम्हारे आने से पहले इस सिलसिले में वकील से बात भी की थी। फिर ना जाने क्यों तंसीला भाभी ने इनकार कर दिया, कहने लगी आतिर के लिए, उसकी जिंदगी के लिए मेरा फैसल के बाद जाना बहुत जरूरी। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ। आतिर, आतिर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऊपर वाला मुझे एक नई जिंदगी देगा और मैं आपके साथ जिंदगी गुजारूंगी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं अमेरिका जाने से पहले तंजीला को कभी आपसे शादी करने के लिए नहीं कहती। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं वापस आ गई हूं, तंजीला फैसल के पास चली गई है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए जिसमें सिर्फ हम दोनों, तीसरा दरमियान में कोई भी नहीं। आनिया, मैंने तुमसे शादी की थी तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तुम्हारी इज्जत पूरी करने के लिए, तुम्हें तुम्हें खुशी के चंद लम्हे देने के लिए। लेकिन अब जब अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दे दी है तो मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारनी चाहिए। क्योंकि आनिया, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें मुझसे ख्वाहिश है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आनिया, आनिया, मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। आनिया, एक लफ्ज और नहीं, एक लफ्ज और नहीं। आतिर, आप कुछ कहेंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगी। आप देखिए मेरा जिस्म कैसे ठंडा होने लगा है। अगर आपने मुझे तलाक दे दी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। आप मुझे जिस हाल में रखेंगे, जैसे रखेंगे, मैं वैसे रहूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आप चाहते हैं तंजीला इस घर में रहे ना, वो इस घर में रहेगी, लेकिन आपके पांव जोड़ती हूँ। आप प्लीज मेरी बातें मत करो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम मेरे लिए कैसे बर्बाद कर सकती हो? आते, अगर आपको मेरी इतनी परवाह है तो आप दोबारा से मेरा हाथ थाम लेना। इतना तो कर सकते हैं। नहीं आनिया, ये मुमकिन नहीं है। आनिया, तुम्हें यहां से जाना होगा।
फैसल बेटा, कैसे हो? अब कैसी है तुम्हारी बीवी और आतिर का बच्चा? तंजीला ठीक है खाला। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तंजीला तुम्हारी बीवी है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा भी तुम्हारा होना चाहिए? उस आतिर का नहीं, मैं तो कहती हूँ कि दूसरे का बच्चा पालने से बेहतर है कि तुम तंजीला से कहो कि वो ये बच्चा गिरा दे, अबॉर्शन करवा दे। खाला, आपको मेरे निजी मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं, और मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है मियाँ, पालो दूसरों का बच्चा, हमें क्या। शायद खाला ठीक कह रही हैं, मुझे तंजीला का अबॉर्शन करवाना होगा। हानिया क्या हुआ है, क्यों इतने गुस्से में हो, कुछ तो बोलो। क्या आतिन ने तुमसे कुछ कहा है? मामा, आतिन ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। फैसला कर लिया? अरे ऐसे कैसे फैसला कर लिया, शादी हुई है तुम्हारी, कोई मजाक नहीं है। कहता है अब मैं ठीक हो गई तो मुझे उसे तलाक ले लेनी चाहिए, किसी और से शादी करके एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। अरे ये कैसे बच्चों जैसे सोच है, बीवी हो तुम उसकी, और वो अपनी बीवी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? सोच सकता है क्योंकि उसने मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं था, सिर्फ एक मरीज की तरह ट्रीट किया था, जिसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने मुझसे शादी तो कर ली लेकिन कभी मुझे बीवी का मकाम नहीं दे सका। बस बहुत हो गया मामा, मैं थक गई उसके पीछे भाग भाग कर, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिला कर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हानिया, अच्छा बस करो, इतना गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इधर तो देखो मेरी तरफ, मेरी बात गौर से सुनो। आतिर तुम्हारा शौहर है और मैं तुम्हें इस तरह हारने नहीं दूंगी बेटे। जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी की बाजी लगा दी, मैं तुम्हें उसे इस तरह खोने नहीं दूंगी। मैं बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, मगर इसके साथ साथ तुम्हें भी कोशिश करनी होगी अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने होने का एहसास दिलाना होगा, उसकी छोटी सी छोटी खुशी, उसकी जरूरत, उसके खाने पीने का तंजीला से कहीं ज्यादा ख्याल रखना होगा बेटे। जब ही तुम अपनी शादी और इस रिश्ते को बचा सकोगी आनिया, समझी? मुझे किसी ना किसी तरह तंजीला से बात करनी होगी, और जितनी जल्दी ये बात हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं किसी भी सूरत में आतिर के बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। तंजीला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरी बीवी हो,
इसलिए तुमसे पैदा होने वाला बच्चा भी मेरा होना चाहिए, मेरा अपना, किसी और का नहीं। क्या कहना चाह रहे हो? तुम ये बच्चा गिरा दो। खबरदार जो तुमने ऐसी कोई बात कही या सोची भी, मैं भूल जाऊंगी कि तुमसे कभी मेरा कोई रिश्ता था भी। आतिर के साथ मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये इंस्पेक्टर साहब हैं, तुम्हारे अगवा के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जी पूछिए। बस जी, पूछना क्या है? उस दौरान जो आपने देखा और सुना वो बता दीजिए, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। ना मैंने कुछ देखा ना मैंने कुछ सुना। क्या मतलब? मतलब ये कि इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। और ना ही उन्होंने मेरे सामने कोई ऐसी बात की जो मैं आपको बता सकूं। ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? ऐसा क्यों करूंगा, ये तो आप ही बता सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी। यस, ज़ीशान। ठीक, उसे अंदर भेज दे। कम इन। तुम कैसे हो? ये इंस्पेक्टर साहब है, मेरे अगवा होने का बयान रिकॉर्ड करने आए। पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसे जानता हूं जिसने मुझे अगवा किया था। और इंस्पेक्टर साहब, ये ज़ीशान है, हमारे फैमिली फ्रेंड। जी जी, मैं इन्हें जानता हूं। FIR इन्होंने दर्ज कराई थी। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। और जैसे ही केस के सिलसिले में कोई मालूमात होगी, मैं फिर खुद हाजिर हो जाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। आप? वालेकुम अस्सलाम। आतिर कहाँ है? आतिर सर अपने रूम में उस्मान सर के साथ, और एक दोस्त और आए हुए हैं। और दोस्त कौन? पता नहीं, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, ये मैं खाना लाई थी, बोर्ड रूम में लगवा दो।
क्या कहा तुमने? तुम मेरे पास नहीं रहोगी? एक बात कान खोलकर सुन लो तंजीला, कि अब तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें यहीं रहना है मेरे पास, इसी घर में, समझी तुम? और तुम्हें यह बच्चा गिराना होगा, प्यार से या जोर जबरदस्ती करके। और अब यह फैसला तुमने करना, क्योंकि मैं इस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता तो यहां खड़े खड़े तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपना बदला खुद लूंगा तुमसे। तुम्हारी वजह से और तुम्हारे पागलपन की वजह से मैंने और मेरी बीवी ने बहुत तकलीफ, बहुत दर्द बर्दाश्त किया है। अब तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा जीशान। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।